Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th August 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about MSP, WTO subsidy limit, and inflation. We will see how these three concepts are interrelated. टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मारेबस जीएसपी पथरी इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले एम एस पी देख लेते हैं की, भारत सरकार की है, इसका क्या सी हाउ इट इज रिलेटेड विथ डब्ल्यू टी यू देखिये एम एस पी इज अ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स जिसमें फार्मर्स को उनके क्रॉप के लिए कितना मिनिमम प्राइस मिल जाएगा उसकी गारंटी मिल जाती है कैसे वो समझिए फार्मर जब किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को सो कर रहे होते हैं तो सोइंग सीजन में ही सरकार अनाउंस कर देती है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए एम मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका मतलब ये है कि जब ये क्रॉप हार्वेस्ट होगा उसके बाद मार्केट में अगर ये नहीं बिका टा पर्टिकुलर प्राइस तो सरकार तो इसको खरीद ही लेगी इस क्रॉप को आटा डिटरमाइंडल ये क्रॉप शो कर रहे हैं ये फार्मर्स अभी उसी वक्त सरकार ने मान लीजिए अनाउंस कर दिया कि मान लीजिए राइस क्रॉप है इसके लिए सरकार ने अनाउंस कर दिया कि एम एस पी वुड बी रुपीज फिफ्टी पर के जी तो नाउ दीज फार्मर्स आर गारंटेड की अगर इनका क्रॉप मार्केट में पचास रुपए पर के जी से ज्यादा बिका तो ठीक अदरवाइज दे कैन ऑलवेज सेल देअर हार्वेस्ट

तो प्राइस क्रैश कर जाता है तो वैसे हालात में फार्मर्स को एमएसपी के थ्रू एक प्राइस इंश्योरेंस मिलती है और प्रोटेक्शन मिलता है MSP कोई नया स्कीम नहीं है 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 ये से ही चलता आ रहा है। भारत सरकार इसको लाती ईयर ऑन ईयर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स तो जनरली 23 क्रॉप्स के लिए अनाउंस करती है सरकार और विथ टाइम एमएसपी अनाउंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ऑल्सो इंक्रीज इन ऑर्डर टू ऑफसेट फॉर द इन्फ्लेशन आप मान सकते हैं कि मिड सिक्सटीज में जब एम लॉन्च किया गया इट वॉज वन ऑफ द फैक्टर दैट दिव बूस्टू ग्रीन रिवॉल्यूशन तो धीरे धीरे जब एमएसपी लाया गया था तब देखिए प्राइस कितना कम हुआ करता था रुपीज फिफ्टी फोर पर क्विंटल फॉर वीट पीरियड ऑफ टाइम यू सी इट हैज गॉन अप टू रुपीस अबाउट टू थाउजेंड पर क्विंटल फॉर वीट एंड राइस तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए नेचुरली एमएसपी को तो बढ़ाया जाएगा ही एमएसपी अलग अलग क्रॉप के लिए कितना होगा उसको रेकमेंड करने के लिए एक कमिटी है जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस सी सी पी तो सी रेकमेंड सी पी करती है कि हमारे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इतना होना चाहिए इसके लिए इतना होना चाहिए और अल्टीमेटली भारत सरकार की जो कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स वो अप्रूव करती है फाइन जैसे सी एस सी पी ने रिकमेंड किया हंड्रेड रुपीज पर केजी शुड बी एम एस पी फॉर क्रॉप ए सो इट इज सी विल अल्टीमेटली अप्रूव हो सकता है वो सी एस पी का रिकमेंडेशन माने या ना माने 2018-19 के बजट में भारत सरकार ने अनाउंस किया कि एमएसपी वुड बी मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन

और अनाउंसमेंट भारत सरकार ने किया था ऑन द बेसिस ऑफ अ रिकमेंडेशन मेड बाय एम एस स्वामीनाथन कमिटी अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं तो अभी के खरीफ सीजन के लिए भारत सरकार ने अनाउंस किया एमएसपी सात जून को भारत सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया और अलग अलग तरह के क्रॉप के लिए उन्होंने एमएसपी को इंक्रीज किया विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर तो 2022 बाईस की तुलना में इस साल अलग अलग खारीफ क्रॉप्स के लिए भारत सरकार ने एमएसपी बढ़ाया किसी क्रॉप पे 6 परसेंट बढ़ाया किसी क्रॉप पे 10 प्रतिशत तक एमएसपी बढ़ाया दैट दैट वाज वाज ओके इन लाइन द यूनियन बजट कमिटमेंट इन टू थाउजेंड की एमएसपी वुड बी वन टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेकिन फिर हुआ क्या है आपको पता है अगस्त महीने में हम इसको ऑलरेडी न्यूज पेपर एनालिसिस में देख चुके हैं कि इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जिसको हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं अगस्त महीने में डेटा आया विधरेपेक्ट टू जुलाई मंथ और जुलाई महीने में इन्फ्लेशन था और उसमें भी जब डाइसेक्शन किया गया तो वी फाउंड कि दिस हाई इन्फ्लेशन वॉज मेनली बिकॉज ऑफ फूड इन्फ्लेशन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन वॉज इलेवन पॉइंट फाइव वन परसेंट तो अब इस पर नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि ऑलरेडी फूड इन्फ्लेशन इज क्वाइट हाई और अगर भारत सरकार इतना ज्यादा एमएसपी देगी ऑन द खरीफ क्रॉप तो फूड इन्फ्लेशन और ज्यादा ऊपर जा सकता है एंड दैट माइट बी डेट्रीमेंटल इन आर बी आई एफर्ट्स टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन तो आरबीआई की मुख्य जिम्मेदारी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और छह प्रतिशत से नीचे लाना सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकिन अगर भारत सरकार इतना सारा एमएसपी बढ़ाएगी सिक्स परसेंट टू टेन परसेंट तक अगर एमएसपी बढ़ाएगी ऑन डिफरेंट ऑफ तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर आरबीआई टू कर्व इन्फ्लेशन यही कहा है क्योंकि ये हाई इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हमने देखा है इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट अगस्त महीने में जुलाई का डेटा है तो एक तरफ नीति आयोग ने एम एस पी को लिंक किया इन्फ्लेशन से कि कैसे एम एस पी को सब्सिक्वेंटली बढ़ाते रहने से इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकता है दूसरे तरफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भी एमएसपी से रिलेटेड एक इशू को हाईलाइट किया है ये दोनों साइमल्टेनियस हुए हैं नीति आयोग टॉकिंग अबाउट एमएसपी एंड इन्फ्लेशन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज बिन टॉकिंग अबाउट की हाउ एमएसपी इज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू जस्टिफाई इट्स पोजिशन एट डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स

इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स को वो फाइनलाइज करें ताकि दुनिया के तमाम देश एक बेसिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड जिससे एक यूनिफॉर्मिटी बने वर्ल्ड ट्रेड में अदरवाइज वर्ल्ड ट्रेड में काफी सारे डिस्टोर्स हो सकते हैं और उससे ट्रेड हैम्पर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया वीट एक्सपोर्ट करे मान लीजिए रसिया में जहां पर रसिया उस वीट के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए टेन परसेंट वहीं रशिया अगर एक्सपोर्ट करे मान लीजिए वीट टू तो अदर कंट्री से इंडिया ऑन और हम उसपे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दें पचास प्रतिशत तो एक तरीके का डिस्टॉर्शन होगा ना रसिया वुड लुक फॉर रेसिप्रोकेशन कि भाई मैं जितना इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा हूं आप भी उतना ही लगाओ आप ज्यादा लगाओगे तो फिर मैं मुझे भी ज्यादा लगाना होगा तो दिस इज हाउट एवरी कंट्री एक्सपेक्ट रेसिप्रोकेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन की जितना इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहा हूं, उतना ही लगा। आप मेरे प्रोडक्ट ज्यादा क्यों लगा रहे हो तो ये सब डिस्प्यूट हमेशा होते रहते थे 1995 से पहले जिस कारण से इंटरनेशनल ट्रेड हैम्पर होता था तो फिर दुनिया के देशों ने मिल करके डब्ल्यू टी ओ को बनाया एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कलेक्टिव तरीके से वर्ल्ड ट्रेड के नॉर्म्स बनाएगा जिसको फिर वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई किया जाएगा जिसको दुनिया भर के देश जब मानेंगे तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ तरीके से कंडक्ट किया जा सकता है डब्ल्यू का दो मेन कॉम्पोनेंट है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो हर दो साल पे होता है ये कॉन्फ्रेंस डब्ल्यू के अंदर जिसमें दुनिया भर के जितने भी डब्ल्यू के मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या मेंबर्स या जिनको हम मिनिस्टर्स भी कहते हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे तो डब्ल्यू की ओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हर दो साल पे होती है उसमें दुनिया भर के जो डब्लू के मेंबर्स हैं उनके मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे वोटिंग के थ्रू डिबेट दिस, डिस्कशन के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड के नॉर्म्स फाइनलाइज किए जाते हैं एक बार जब नॉर्म फाइनलाइज हो गया डब्ल्यू के अंदर तो फिर हर एक मेंबर कंट्री को वो नॉर्म मानना है अगर कोई भी मेंबर कंट्री उस नॉर्म को वॉयलेट करता है तो फिर उस कंट्री के खिलाफ कोई दूसरा मेंबर कंट्री डब्ल्यू की जो दूसरी बॉडी है एपिलेट बॉडी पे केस रजिस्टर कर सकता है तो so इस तरीके से आप मान सकते हैं जैसे हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट है लेजिस्लेटिव बॉडी एंड जुडिशियरी है द एडजुडिकेटरी बॉडी वैसे ही डब्ल्यूटीओ के अंदर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जो कानून या नियम बनाएंगे एंड एपिलेट बॉडी है जो उस नियम का पालन करवाएंगे एडजुडिकेट कराएंगे टू वर्ल्ड कंट्रीज अगर वो इस कानून को तोड़ते हैं तो तो एपलेट बॉडी के पास पेनल्टी लगाने का भी पावर है अब अगर बात की जाए डब्लू की ओरिजिन की कि आखिर डब्ल्यू बनाया क्यों गया तो यहां से जरा देखते हैं मैं सारी इंट्री में जाना चाह रहा हूं मैं देखता हूं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूं तो देखिए आपको पता है कि 1945 से लेकर के 1991 तक द वर्ल्ड वॉर्ज इन द फेस ऑफ कोल्ड वॉर एंड कोल्ड वॉर वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर

और उसके बाद से दुनिया भर में कंसेंसस बनने लगी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी कि मार्केट मॉडल इज बेटर इट इज मोर एफिशियंट इट ब्रिंग्स बेटर प्रोडक्ट इन द इकॉनमी एंड दैट इज हाउ इट इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी ये कंसेंसस बनने लगी दुनिया भर में इन फेवर ऑफ मार्केट मॉडल इसी कंसेंसस को नाम दिया गया वॉशिंगटन कंसेंसस आज पर वॉशिंग्टन कंसेंसस

ऑल सच थिंग्स आर इंटर रिलेटेड इवेंट्स और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ही इस तरह के रिफॉर्म्स लाए गए तमाम इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो मॉडल फॉलो कर रहे थे दे वेट फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन दियर इकोनॉमी तो एक बार जब वॉशिंगटन कंसेंसस बन गया पूरे दुनिया भर में अलग अलग देश मार्केट ओरिएटेड इकोनमी को फॉलो करने लगे तो फिर बात हुई कि वाई नॉट टू क्रिएट A global market. Why not to convert this entire world into one big market? Then only there will be more and more international trade, and when there will be more and more international trade, then only there will be best utilization of resources at global scale, which was the main motive behind market model, or easy intention say to convert the entire world into one big market.

So you can say the objective of WTO was to make uniform trade related norms in order to convert world into one big market, the world would be converted into one big market. So rational behind WTO, as I said, uniform trade laws to promote free and fair trade worldwide and that would ensure best utilization of resources worldwide. Let us understand with an example, ki how trade वर्ल्ड वाइड फ्री एंड फेयर ट्रेड वर्ल्ड वाइड लीड टू बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्लोबली ये सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको क्लास में भी दे चुका हूं मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स पांच छह महीने में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ करके हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी पढ़ पढ़ के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भूलने लगते हैं इसलिए मैं इसको यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी बातें याद आ रही होंगी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्लास में भी चाइना का और इंडिया का सपोज चाइना ग्रोज राइस एट ए कॉस्ट रूपीज ट्वेंटी पर केजी

राइस ग्रो करने के लिए और सिमिलरली चाइना को वीट ग्रो करने के लिए एक्सपेंडिचर कम लग रहा है तो चाइना सुड ग्रो वीट ओनली इंडिया सुड ग्रो राइस ओनली एंड इंडिया सुड कंज्यूम राइस फॉर इट्स ओन और बचा हुआ राइस उसको चाइना में एक्सपोर्ट कर देना चाहिए और चाइना सुड ग्रो वीट ओनली और अपने लिए वीट कंज्यूम करने के बाद जो बचा हुआ बचा हुआ वीट है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर देना चाहिए दिस इज हाउ

बनाया व्हीट लेकिन जब वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया ने इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया ₹15 रुपीस पर केजी तो अल्टीमेटली चाइनास व्हीट वुड बी ऑफ ₹25 पर केजी इन इंडियन मार्केट एंड दैट विल मेक इट कॉस्टlier देन लोकल डोमेस्टिक व्हीट दैट इज ₹20 रुपीस पर केजी एंड दैट इज व्हाई चाइनीज व्हीट विल नॉट बी एबल टू सेल इन

अल्टीमेटली इंडियन वीट वुड बी फाइव रुपीज पर केजी वाल चाइनीज वीट इज ऑफ टेन रुपीज पर के जी इन दैट केस ऑल्सो इंडियन वीट डिस्पाइट बींग इन एफिसियंट एज फार एज रिसोर्स यूटिला है कि ये सब्सिडाइज वीट चाइनीज मार्केट में भी बिके सो सब्सिडी एंड टैरिफ्स आर कंसिडर टू बी हिंडरेंट इज वाइट डब्ल्यू टी ओ जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेड को स्मूथ तरीके से इंस्योर करे वो टैरिफ रिलेटेड नॉर्म्स और सब्सिडी रिलेटेड नॉर्म्स ही बनाता है ऐसा नहीं कर सकता डब्ल्यू के टैरिफ को जीरो कर दे कि आप टैरिफ लगा ही नहीं सकते इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा ही नहीं सकते या सब्सिडी दे ही नहीं सकते ऐसा नहीं कर सकता लेकिन डब्ल्यू तमाम रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाता है और वो भी अकेले डब्ल्यू टी ओ तो लगाए नहीं वर्ल्ड कंट्रीज मिल करके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में फैसला करते हैं कि इस पर्टिकुलर तरह के प्रोडक्ट पे इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए या इससे ज्यादा इस इसपे टैरिव इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए तो करेंट कॉन्टेक्स में हमें डब्ल्यू का एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट को देखना है जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये डब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इसमें बेसिकली यही सारे बातें की गई हैं कि टैरिफ्स को फिक्स किया गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ट्रेड पे इससे ज्यादा हम लोग इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते उसके अलावा सब्सिडी को भी फिक्स किया गया है कि इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं दिया जा सकता तो सब्सिडी रेगुलेट करने से पहले सब्सिडी को तीन ग्रुप में कैटेगराइज किया है डब्ल्यूटीओ ने एक पर्टिकुलर तरह की सब्सिडी को कहा गया है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर वो तमाम सब्सिडी आती है जो रिसर्च फंडिंग के लिए दी गई है या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए दी गई है फॉर एग्जाम्पल रिसर्च फंडिंग का एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई एक बढ़िया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का सीड डेवलप किया साइंटिस्ट ने वो सीड काफी महंगा है क्योंकि तो साइंटिस्ट को उसमें काफी कॉस्ट लगा है उसकी आर एन डी करने में अब सरकार वो सीड को सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को अवेलेबल करा रही है सो दैट वुड बी एन एग्रीकल्चरल सब्सिडी बट इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिमिलरली मान लीजिए कि सरकार फार्मर्स को सोलर पावर्ड पंप फॉर इरीगेशन पर्प अवेलेबल करा रही है एट ए चीपर रेट सोलर पावर पंप जो है उसका मार्केट कॉस्ट है दो हजार लेकिन सरकार उसको पांच सौ रुपए में ही फार्मर्स को अवेलेबल करा रही है अपने तरफ से पांच सौ की सब्सिडी दे रही है पंद्रह सौ रुपए की सब्सिडी दे रही है सो दिस सोलर पंप वाला सब्सिडी वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल सब्सिडी तो इन सबको रखा गया है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में एंड ग्रीन बॉक्स सब्सिडी हैज बीन परमिटेड बाय डब्ल्यू कि इसमें जितना सब्सिडी देना चाहे वर्ल्ड कंट्रीज दे कैन कं गिव देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर नोन एज प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज तो देर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक आइसलैंड स्लोवेनिया नॉर्वे दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी मतलब उनके पास रिसोर्स ज्यादा है लैंड ज्यादा है एनिमल्स ज्यादा है कैटल्स ज्यादा है उस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन कम है तो अगर उनके यहां ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो मार्केट क्रैश हो जाता है ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है डिमांड उस हिसाब से होता नहीं है हो, तो प्राइस क्रैश कर जाता है इसी कारण से ये कुछ ऐसे देश हैं, इनकी सरकारें प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए अपने फार्मर्स को सब्सिडी देती हैं कि ठीक है आपकी इतनी जमीन है आप कुछ सब्सिडी ले लीजिए आपके इतने कैटल्स हैं आप कुछ पैसा ले लीजिए जब अपने आप कैटल्स के बेसिस पे लोगों को पैसा मिल जाएगा या लैंड जितना है उसके बेसिस पे पैसा मिल जाएगा विदाउट मेकिंग एनी प्रोडक्शन तो नेचुरली पीपल्स टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटकम्स वुड बी डाउन कि क्यों प्रोड्यूस करें आपकी दस एकड़ जमीन है सरकार ने आपको एक लाख रुपए दे दिए अब आप क्यों करने जाओगे दस एकड़ जमीन में खेती राइट right. अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहां पे रिसोर्सेस की इतनी स्कैरसिटी है उस सिनेरियो में रह करके प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी That is being seen in Norway, Iceland and Slovenia, इसको रियलाइज कर पाना विजुलाइज कर पाना थोड़ा कठिन है लेकिन ऐसे सिचुएशन है उन देशों में जहाँ पे बस प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए सरकार सब्सिडी दे देती दे है एंड प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी गीस थ्री कंट्रीज वी आर पुट इन ब्लू बॉक्स एंड दैट वी आर ऑल्सो परमिटेड बाई डब्लू टी ओ रिमेनिंग जितने भी सब्सिडी रह गए उन सबको डाल दिया गया एम्बर बॉक्स सब्सिडी में तो रिमेनिंग सब्सिडीज हो सकते हैं इनपुट सब्सिडीज जैसे कि सब्सिडी ऑन इलेक्ट्रिसिटी सस्ते दामों पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराया जाए फार्मर्स को सीड सस्ते दामों पे अवेलेबल कराया जाए सीड है सौ रुपए के जी फार्मर्स को पचास रुपए के जी अवेलेबल कराया जाए फर्टिलाइजर्स हमारे देश में काफी सारा दिया जाता है फर्टिलाइजर सब्सिडी इरिगेशन सब्सिडी तो ये सब एग्रीकल्चर के लिए इनपुट है इनपे सब्सिडाइज रेट पे जब इनको अवेलेबल कराया जाएगा तो दे आर नोन एज इनपुट सब्सिडीज आउटपुट सब्सिडी का एग्जाम्पल हो सकता है एमएसपी जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की और इनपुट और आउटपुट सब्सिडी है इनपे डब्ल्यूटीओ ने लिमिटेशंस लगा रखे हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते आप सबके मन में नैचुरली आ रहा होगा कि सर एम सब्सिडी कैसे हुआ ये समझ नहीं आ रहा है उसको भी यहां समझ लेते हैं कि हाउ एम एस पी इज अ सब्सिडी मान लीजिए कि एक फार्मर है वो अपना राइस क्रॉप को लेकर के मार्केट में जाता है तो मार्केट में उसको पता चलता है कि राइस क्रॉप के लिए जो मार्केट प्राइस उसको मिल रहा है वो है रुपीज थर्टी पर के जी जबकि एम एस पी सरकार ने अनाउंस किया था रुपीज फिफ्टी पर के जी तो फिर वो क्या करेगा सरकार द्वारा बनाई गई मंडी एग्रीकल्चरल मंडी जिसको हम लोग कहते हैं एपीएमसी वहां जाएगा और वहां पे एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में जाकर के वो एफ के जो ऑफिसल्स होंगे उनसे नेगोशिएट करके एम पे अपना क्रॉप बेच देगा क्योंकि मार्केट में उसको तीस रुपए के जी मिल रहा है एमएसपी पचास रुपए के जी था तो नेचुरली वो पचास रुपए के जी पे एफसीआई को बेच देगा एफसीआई फिर क्या करता है यही फूड क्रॉप को प्रोक्योर करके पी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप जिसको हम राशन की दुकान भी कहते हैं उनके थ्रू अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत क्रॉप्स लोगों को बंटवाता है फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें पांच किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है तो मान लीजिए कि ये बेनिफिशियरी है ये इंसान बेनिफिशियरी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इसी फार्मर से मान लीजिए इस फार्मर से हमने खरीदा सरकार ने एफ ने जो भारत सरकार की एक है पचास रुपए के खरीदा और इस इंसान को जीरो रुपए में अवेलेबल करा दिया ये फूड ग्रेन तो सरकार ने तो पचास रुपए खर्च किए आज सब्सिडी अब सोचिए सरकार ने सब्सिडी किसको कितना दिया सरकार के पचास रुपए खर्च हुए लेकिन वो सब्सिडी किसको किसको कैसे कैसे गया वो जरा देखिए देखिए अगर ये आदमी मार्केट से राइस खरीदता तो इसको देना होता तीस रुपए पर के जी जबकि इसको मिल गया जीरो रुपए पर के जी में यानी कि इस इंसान को इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में सरकार ने दिया तीस रुपए का सब्सिडी मार्केट से खरीदता तो तीस रुपए में, में। तीस तो रुपए का इसको सब्सिडी मिला ये फार्मर अगर मार्केट में बेचता तो इसको मिलता तीस रुपया तो सरकार ने इस फार्मर को दिया बीस रुपए का सब्सिडी तो फिफ्टी रुपीज हैज बीन पेड बाय द गवर्नमेंट बट अंडर एमएसपी द गवर्नमेंट हैज पेड अ सब्सिडी ऑफ रुपीज ट्वेंटी अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द गवर्नमेंट हैज पेड अ सब्सिडी ऑफ रुपीज थर्टी

Of the year 1986 to 1988, वो वाला एवरेज और उसका वैल्यू ओवरऑल लेकर उसका मैक्सिमम दस प्रतिशत तक सब्सिडी के तौर पर दिया जा सकता है तो नेचुरली एम एस पी जो भारत सरकार देती है दैट ओवर सुमस लिमिट तो भारत सरकार के खिलाफ एमएसपी लाने के लिए कभी भी लाया जा सकता है केस इन डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एडजुडिकेटरी बॉडी जो है लेकिन भारत सरकार ने जो बाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 2013 में डब्ल्यूटीओ के वहां पे एक बार के लिए पीस क्लॉज अटेन किया हुआ है पीस क्लॉज मतलब कि अभी के लिए कोई एक्शन नहीं होगा भारत के खिलाफ लेकिन प्रॉब्लम तो है ही कभी भी जब तक ये पीस क्लॉज है तब तक ठीक है बट ओवर ए पीरियड ऑफ़ टाइम सक्सेसिव गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इंडिया इज वायलेटिंग डब्ल्यू टीओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर सब्सिडी रिलेटेड प्रोविजन वो इंडिया वायलेट कर रहा है so, आपको ये तमाम रिलेशन समझ आ रहे हैं तो नाउ आई होप आपको ये तमाम चीजें समझ आएगी कि हाउ एम एस पीज रिलेटेड विद इन्फ्लेशन एंड नाउ हाउ एम एस पी इज एन इशू एट डब्ल्यू पीओ इट इज ब्रीचिंग सब्सिडी लिमिट एम एस पी रिवाइज कर लेते हैं एक बार एम एस पी जो प्राइस इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स फॉर ट्वेंटी थ्री नोटिफाइड क्रॉप रिकमेंडेड बाई सी एस सी फाइनालाइज बाई कैबिनेट कमिटी ऑन इकोमिकेयर्स एम एस इज वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर रिकमेंडेशन ऑफ एम एस स्वामीनाथन कमिटी एक्सेप्टेड इन यूनियन बजट टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन प्रॉब्लम With MSPs that it comes under amber box subsidy of WTO's agreement on agriculture and India breaches de minimis limit allowed by WTO. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज attempt दिस क्वेश्चन और एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने यहां पे आपको दे रखा है कि WTO challenge to MSP is a matter of survival and food security. एम तो एसपी हमारे देश की जरूरत है फॉर सर्वाइवल एंड फूड सिक्योरिटी आपको ये हाईलाइट करना है इस सवाल में साथ साथ ही आपको WTU में क्या चैलेंजेस हैं एमएसपी के वो हाईलाइट करना है और सॉल्यूशन भी बताना है तो एमएसपी के तमाम बेनिफिट लिख दीजिए कि इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर्स है इट हेल्प्स इन राइट प्राइस डिस्कवरी टू द फार्मर्स एमएसपी से पता लग जाता है कि अच्छा हमको तो इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए अपने क्रॉप के लिए सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की भाई फार्मर को गारंटी मिल जाती है कि उसको इतना प्राइस तो मिलेगा ही तो इस कारण से वो मन लगा करके काम करता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एम्पावरमेंट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सोशल वेलफेयर एमएसपी पे सरकार जब फूड क्रॉप को प्रोक्योर करती है तभी तो अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड ऑल में वो क्रॉप्स को अवेलेबल कराती है ग्रेन्स को अवेलेबल कराती है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी तो ये सब चीजें आप प्रूव कर सकते हैं देन यू हाईलाइट की हाउ एमएसपी हैज बिन कैटेगराइज अंडर एम्बर बॉक्स सब्सिडी

लेकिन सॉल्यूशन हो सकता है कि एमएसपी को धीरे धीरे छोड़ करके भारत सरकार शिफ्ट हो जाए इनकम गारंटी स्कीम पे इनकम गारंटी स्कीम जैसे कि पीएम किसान आपको पता होगा छ हजार रुपए सरकार देती है सालाना टू द फार्मर्स एमएसपी के बदले में पीएम किसान स्कीम पे शिफ्ट हो जाते हैं और सीधा सीधा फार्मर्स के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर देते हैं अभी छह हजार रुपए कम है चलिए उसको बढ़ा करके कुछ और ज्यादा कर दिया जाए बट राधर देन एमएसपी एस विच इज अ प्राइस इंश्योरेंस स्कीम विच में ब्रिंग अस

जो हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये हमारे अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक सैटेलाइट है 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोअर अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज ए हैबिटेबल सेटेलाइट हैबिटेबल सेटेलाइट मतलब इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं और वो दुनिया के अलग अलग जो स्पेसियल बॉडीज हैं कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज हैं बॉडीज़ हैं उनको स्टडी कर सकते हैं और इसी कारण से इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हर वक्त कम से कम चार एस्ट्रोनॉट्स स्टेशनड होते हैं लेकिन उनको नॉर्मली यहाँ पे छः महीने से ज्यादा नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उनके हेल्थ के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है तो छः महीने के लिए एस्ट्रोनॉट जाते हैं यहाँ रहते हैं और फिर अर्थ से स्पेस शटल भेजा जाता है जिससे नए एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और जो वहां पे ऑलरेडी स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको वापस लाया जाता है थ्रू दिस स्पेस शटल सो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हैबिटेबल सैटेलाइट इट हैज हैजिन आउटकम ऑफ फाइव स्पेस एजेंसीज इन पांच स्पेस एजेंसीज ने कलेक्टिव तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है NASA ऑफ यूएस रॉस कॉस्मोस ऑफ रसिया जैक्स ऑफ जापान यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोप एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी ऑफ कैनेडा ध्यान रहे हमारी भारत की प्रीमियर स्पेस एजेंसी इसरो आई का मेंबर या पार्टनर नहीं है तो इसमें छह एस्ट्रोनॉट्स तक की कैपेसिटी है लेकिन नॉर्मली चार एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं छह की कैपेसिटी है चार रहते हैं स्पेस शटल जो अर्थ से जाता है और इनको वापस लेकर के आता है और जैसा कि मैंने आपको बताया छह महीने से ज्यादा ये एस्ट्रोनॉट्स नहीं रहते हैं स्पेस के अंदर इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूदा न्यूज यही था कि ये चार एस्ट्रोनॉट जिनको आप देख रहे हैं चार अलग अलग देशों से इन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और पहले से जो यहाँ चार एस्ट्रोनॉट्स थे जो वहां पे मार्च महीने से ही स्टेशन है उनको वापस लाया जा रहा है लगभग छह महीने हो गए मार्च से लेकर के अगस्त तो उनको वापस लाया जा रहा है और इन चार एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस एक्स जो यूएस की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है हेडेड बाय मस्क तो आ, स्पेस एक्स के एक आ, ऐसे स्पेस एक्स कैप्सूल की मदद से स्पेस शटल की मदद से इन चार एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है और चार को जो वहां से पहले स्टेशन है उनको वापस लाया जाएगा अब जरा बात करते हैं कि आखिर स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को छह महीने से ज्यादा क्यों नहीं रखा जाता है उनके हेल्थ के ऊपर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं तो देखिए एक तो सबसे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्मोलॉजिकल रेडिएशन अलग अलग कॉस्मोलॉजिकल रेडिएशन है चाहे कितना भी वो स्पेस सूट वगैरह पहन के रहें थोड़े बहुत तो रेडिएशन का एक्सपोजर होता ही है जो उनके स्किन के ऊपर सीधा सीधा नुकसान कर सकता है दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ग्रेविटी अब स्पेस के अंदर ग्रेविटी तो ऑलमोस्ट जीरो है तो ऐसे कुछ हालात होते होंगे वहां पे तो अब ग्रेविटी जीरो होने के कारण होगा क्या कि कोई भी चीज आपको अगर लिफ्ट करना है उठाना है तो उसके लिए आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है जैसे कि आपको मान लीजिए आपके सामने आपका मोबाइल फोन रखा है अभी हम लोग क्या करते हैं अगर मोबाइल फोन उठाते हैं थोड़ा तो ताकत लगाना पड़ता है ना क्योंकि उसका कुछ वेट है उसका वेट क्यों है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी लेकिन स्पेस के अंदर ग्रेविटी है ही नहीं तो उसका वेट है ही नहीं हर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो आपको कुछ भी करने के लिए एनर्जी ताकत लगाने की जरूरत है ही नहीं लेजी लोगों के लिए सबसे बढ़िया जगह है स्पेस वहां चले जाओ कुछ भी नहीं करना है राइट एवरीथिंग इज वेटलेस बट इसकी प्रॉब्लम क्या होगी व्हेन यू आर इन अ माइक्रो ग्रेविटी सिचुएशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो योर मसल्स नीड नॉट टू वर्क जब मसल्स को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा तो धीरे धीरे मसल्स लॉस होने लगता है दैट इज अ प्रॉब्लम तो सोलर रेडिएशन के कारण स्किन डैमेजेस होते हैं माइक्रो ग्रेविटी के कारण मसल डैमेज होता है अच्छा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमने देखा जिसको बिल्ड किया है दुनिया की पांच स्पेस एजेंसीज ने मिलकर के उसके अलावा चाइना ने अपना अलग से चाइना ने अपना अलग से स्पेस सैटेलाइट बिल्ड किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिल्ड किया जिसका नाम है तियांग दो तो हजार में इसको बिल्ड किया था उसने तियांगोंग कुछ इस तरह का टी सेप का है उसमें यहां पे है तियानहे मॉड्यूल इस पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना उसका नाम है तियांगोंग वहां इसे तियानहे मॉड्यूल है यहां पे चाइना के तीन एस्ट्रोनॉट्स स्टेशन रहते हैं तो चाइना का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है दैट इज द आइडिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैबिटेबल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट ज्वाइंटली बिल्ड बाई दीज फाइव स्पेस एजेंसीज़ तो अर्थ से नॉर्मली छह महीने पे स्पेस शटल भेजा जाता है और एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ नए एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है पुरानों को वापस लाया जाता है नेगेटिव हेल्थ इंपैक्ट ड्यू टू लॉन्ग स्टे इन स्पेस क्या हो सकता है लॉस ऑफ मसल ड्यू टू माइक्रो ग्रेविटी रेडिएशन चाइनाज ओन स्पेस स्टेशन इज नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट तिरंगा पॉइंट अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू बट काफी छोटा पॉइंट है देखिए कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था अबाउट जवाहर स्थल एंड शिव शक्ति पॉइंट जवाहर स्थल चंद्रयान वन के से अटैच था एक इंपैक्टर जिसको सीधा सीधा जाकर के मून के ऊपर इंपैक्ट करना था लैंड करना था तो जिस पॉइंट पे चंद्रयान वन का इंपैक्टर जाकर के कोलाइड हुआ या इंपैक्ट हुआ मून सरफेस के ऊपर उस पॉइंट को हमने नाम दिया जवाहर स्थल राइट ये मैंने कल भी आपको बताया था चंद्रयान थ्री जो हमारा 23 अगस्त को सक्सेसफुल हुआ तो चंद्रयान थ्री जिस पॉइंट पे जाकर के उसका लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया उस पॉइंट को हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट एक पॉइंट में कल बताना भूल गया इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं आज इसको रिकॉल करा रहा हूं आपको ये तिरंगा पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था भारत सरकार ने क्या किया चंद्रयान टू में भी तो विक्रम लैंडर था वो बात अलग है कि विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया हार्ड लैंडिंग हो गई जिस कारण से वो डिसफंक्शनल हो गया तो चंद्रयान टू का जो विक्रम लैंडर जहां जाकर के उसने लैंडिंग की थी वो काफी क्लोज है टू द शक्ति पॉइंट वो भी साउथ पोल पे लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था तो जिस पॉइंट पे चंद्रयान टू के विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी बट सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी उस पॉइंट का नाम दिया है हमने तिरंगा पॉइंट तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं जवाहर स्थल तिरंगा पॉइंट एंड शिव शक्ति पॉइंट तो इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको इन सेक्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आज का दिन हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है इन मेमोरी ऑफ मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी तो मेजर ध्यानचंद जी के बारे में अगर हम देखें इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स तो आप मान सकते हैं कि वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि तो उन्होंने उनके कैप्टनसी में उनके लीडरशिप में इंडिया ने तीन लगातार गोल्ड मेडल जीता था इन ओलंपिक्स इन हॉकी 1928, 1932, 1936 मेजर ध्यानचंद के कारण इंडिया का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस था हॉकी के अंदर यूसी हॉकी के अंदर लगातार हम गोल्ड जीतते रहे हैं राइट right. बाद में फिर सिल्वर गोल्ड और फिर ऐसी हालत हो गई आप देखो 1980 के बाद से 2020 में जाकर के 40 साल बाद हम जाकर के ब्रॉन्ज जीते हैं तो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर ध्यानचंद इन हॉकी कि उनके टाइम में उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई पहले तो तीन बार खुद हॉकी में गोल्ड जीतवाया और उन्होंने ऐसी टीम तैयार की थी जो आने वाले कई सालों तक गोल्ड जीतती रही तो इसी कारण से इनके बर्थ एनिवर्सरी को डिक्लेयर किया गया है आज नेशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया 1956 में और में हमारे देश का जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है खेल रत्न अवार्ड उसका नाम पहले था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उसको बदल करके रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इस साल का जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है उसका थीम है स्पोर्ट्स आर एंड इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी यही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं ये सब कुछ मैं लिख करके इसलिए देता हूँ ताकि आपको कैसे नोट्स बनाना है उसका अंदाजा लग सके हैंड रिटेन नोट्स बनाते चलेंगे तो अंत में रिविजन काफी आसान हो जाएगा कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था पहला स्टेटमेंट पहला क्वेश्चन इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जे स्टैचुट्री बॉडी दट सऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग